What is potassium chlorate? KCLO3. Yeah, this is potassium chlorate. Okay. Question number one over. Yes, sir. Great. This is the equation everyone would have wrote, right? Yes, sir. आपने ये इक्वेशन लिखी होगी, करेक्ट? तो Yes, sir. वन मोल ऑफ KCLO3 आई हैव, फ्रॉम वन मोल ऑफ KCLO3 हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल फॉर्म? टेल मी द रिलेशन, इज इट बैलेंस्ड? तो Yes, sir. वन मोल विल गिव हाउ मेनी मोल्स? One. तो आंसर विल बी One. One. वन. चलो क्वेश्चन नंबर टू ओवर. Sandu. I do it, do it fast. Yeah, guys, shall we start? Second question. Yes, sir. Yes, sir. How many of you got the answer? Guys, there's a chat box, there's a voice thing. How many of you got the answer? One. वन बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. या बेटा ओके
whenever we have these kind of question, हमको start कहाँ से करना होता है? सर सेकंड या थर्ड? सेकंड बेटा. हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? सर अजम्पशन से. कौन सा अजम्पशन? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. चलो ठीक है, काम करते हैं. अगर किसी ने बोला है कि मोलारिटी 3.6 मोलर है तो हम क्या करें, क्या अज्यूम करें? 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन. आई हैव 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. एग्रीड? यस सर. वेरी गुड. 3.6 मोल्स कितना हो जाएगा? 3.6 into 98, the molecular mass of H2SO4. Yes, sir. Very good. Yes, sir. ये क्या आया? Weight of solute in grams. अच्छा ये क्या दे रखा? 29%. What is that? Weight by weight percentage. Volume of. Weight by weight, बेटा. तो weight of solute divided by weight of solution. ये भी grams में. एंड ये भी ग्राम्स में इनटू 100 करोगे तो वो 29 दे रखा है. ये दे रखा है. तो एक बार बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे को पता है, व्हाट अबाउट वेट ऑफ सॉल्वेंट? वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसा आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसा आएगा? सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी. राइट. तो हाँ, तो एक बार बताओ, डब्ल्यू बी दैट इज 33.6 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू रो शुड बी इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 29. यस सर. दैट मींस डेंसिटी कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 29. करेक्ट. हाँ, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 98 29 नियरली 3 3 3 2 3 कितना है? बताओ कितना आंसर आएगा नियरली? गाइस कितना आंसर आएगा इसका? तो आंसर क्या है इसका? ए. ए. डन. यस सर. चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें 1 मिनट से ज्यादा लगा ना तो मतलब समझ जाओ वेस्ट है. नॉट मोर देन दैट. 1 मिनट. हो गया सर. Very good. Sir, done. Very answer ho gaya. Nice. Done, sir. Wow. To reaction likha hoga, nitrogen plus 3 hydrogen gives 2NH2. 2NH3. Very good, very good. Ab uske aage kya? Sir, wo number of moles uska wo nikalenge. Kya nikaloge beta? Number of moles. The limiting reagent. तो 10 मोल दे रखे हैं और 15 मोल दे रखे हैं. करेक्ट. और वो कह रहा है कि सुटेबल कैटलिस्ट लिया, जब रिएक्शन खत्म हुआ तो 10 मोल अमोनिया है. श्योर? यस सर. नाउ जस्ट टेल मी, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? पहले तो ये बताओ. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. तो सारी कैलकुलेशन इसके थ्रू होगी. यस. तो 3 मोल कितने मोल दे रहा है? 2 मोल. तो 15 मोल कितने देगा? 15 by 3 into 2. हाँ तो 10 हो गया. हाँ. हाँ तो एक बार बताओ, 3 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करा तो 15 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? 5. 5. तो बचे कितने? 5. तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? A. A for apple.
Understood? Yes, sir. Yes, sir. Wow. Chalo. Now, question number. Guys, सबको आ गया ये 1, 2, 3? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको अभी तक डाउट है इसके अंदर जो आज तक? बेटा किसी को और को कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो. नहीं, चलो ग्रेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 6. अगेन 2 मिनट्स फॉर सिंगल क्वेश्चन. जल्दी. टुडे टारगेट है पूरा असाइनमेंट खत्म करना है इस क्लास में. 4 to 6 फास्ट. 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें. 1 मिनट वही मैक्सिमम है. इसको बैलेंस करना है. हो गया सर. बैलेंस किया पहले? यस सर. यस सर, हो गया. क्या किया यहाँ पे? कौन सा कोएफिशिएंट आएगा? 1, 3, 3, 2. हाँ सर. ओके. 1, 3, 3, 2. वेरी गुड. तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, 3 आया, 2 आया. सबके पास ये आया? यस सर. तो एक बात बताओ, उसको क्या चाहिए था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2 विल नीड टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ FeCl3? तो क्या आंसर आएगा बताओ? 3/4 मोल्स. हां यस सर. 3/4. डन. सबका ये आया? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. वेरी गुड. हां सर. ओके. या ठीक. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई करो, अदरवाइज मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. सर इसकी रिएक्शन सर CuSO4 प्लस Al गिव्स Al2SO4 थ्राइस प्लस Cl आएगा. सर ऑप्शन सर आ गया. हो गया. अरे सुनो मेरी बात. देखो हम इसको लिखना है पहले. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बैरिंग 20 ग्राम ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. तो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसमें मैं एल्यूमिनियम डाल रहा हूँ. तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा. What is the formula of aluminium? Sulfate? Yeah, answer C. Al2SO4 thrice. Yeah, correct. SO3 whole. SO4 thrice. SO4 whole thrice. Plus copper. So balance करोगे इसको? Yes. ये दो आएगा. Al2. ये three. ये तीन आएगा. Correct. Yes. अब बताओ. Option C है yes, sir. मतलब 2 मोल से 3 मोल आ रहे हैं तो 27 ग्राम मतलब 1 मोल. 1 मोल से कितने मोल आएंगे? 3/2 इनटू 64 करोगे? इनटू 64 आंसर कितना आया? 96. सबका ही आंसर आया? यस सर. यस सर. ओह ग्रेट.
नाइस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट सर हो गया ए या ये, यू गॉट दैट? हाँ यस गाइस, यू गॉट दैट? यस सर, यस सर, यस सर। वन सेकेंड, तो इट्स समथिंग लाइक आई हैव सी एच फोर ऑक्सीजन, कार्बन बैलेंस करो क्या आएगा? CO2 plus हाइड्रोजन बैलेंस करो 1-2-1-2 आएगा सर, 2H2 सर। ओके ग्रेट, तो ऑक्सीजन बैलेंस करो कितना आएगा था? 2-2 तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 और 8, लिमिटिंग क्या है? O2 सर, तो दो मोल एक के साथ करते तो 8 मोल किसके साथ करेंगे? 4 के साथ। वेरी गुड, तो 5 में से 4 ही ऐड कर गए, एक बच गया और 0 बचे। 8 मोल कितने मोल देंगे भैया? 2 मोल एक देता तो 8 कितने देंगे? 4 4 और 2 मोल 2 देते तो 8 कितने देंगे? 8 8। वेरी गुड वेरी गुड, सो यू गॉट द आंसर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 4, नंबर ऑफ एंड एक्सेस इज 1। हां करेक्ट, डन? यस सर, यस सर, done. Okay, now question number 7-9. Again, you have 2 minutes per question, fast. Done. Guys, done. Yes, yes. C12. Okay. S12. देखो इसको अगर सॉल्व करना तो बैलेंस करोगे? Yes, sir. करो। नो बेटा, इट इज जस्ट इनिशिएशन, इट्स जस्ट वार्म अप, पता है ना, इसी डिफिकल्टी के थोड़े बहुत आएंगे, बट या इट्स जस्ट अ वार्म अप राइट नाउ। शैल वी स्टार्ट? यस सर। डूइंग दैट, अरे क्या वो, ओके नाउ लिसन, first I'll balance the reaction, C10HX plus oxygen gas gives CO2 plus H2O. Tell me, 10 carbon here, so what should I put over here? 10. Very 10. Good.
x hydrogen here. So what should I put over here? X. X by 2 beta. Already 2 is there, no? Yes, sir. Yeah. Now tell me, how many oxygen atoms I have here? 20 plus x by 2, correct? Yes, sir. So that many oxygen atoms are there. So how many O2 should be there? Divide by 2. I have to balance it, right? So what's the coefficient I'll get over here? 10 plus x by 4 such that if I multiply this thing with 2, I'll get the same number of oxygen? Yes, sir. Very good. Now tell me, what is the number of moles ratio? If number of mole is 1, the number of moles of oxygen will be 10 plus x by 4? Yes. Mm. The number of moles of C2HX is 2.5. Then how many moles of oxygen I have given? They have given? 32.5. So shall I say that this mole ratio should be equal to this mole ratio? Simple. Yes. Yeah, so 32.5 by 2.5 should be equal to 10 plus x by 4. Agreed? Yes, yeah. Sir. So what is the value I'll get over there? This will be 13? Yes. So minus 10. So it'll be like 3. So 3x by 4 is equal to 3. So x comes out to be 12. 12. So I got the value of x as? 12. Done? Yes, sir. Guys. सर MHCl क्या है मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना अरे हाँ मोलर इट इज मोलर मोलारिटी या इट इज इजी एवरीथिंग इज इजी अरे ही कांट हियर मी हु वन सेकंड M004 कैन यू प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन Okay. Are you saying that it's not audible? One second. Okay. Question number 8, done. Yeah. Very good. CaCO3 solid plus 2HCl. Now, the mass of CaCO3 which will require. Now just tell me, is this done by everyone, guys?
क्वेश्चन नंबर यस सर डन 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 वेरी गुड व्हाट द आंसर यू गॉट सर आई गॉट 75/16 ओके 75/60 9.4 0.94 ग्राम यस सर 0.94 आया देख लेते 75/60 इज नॉट 0.94 16 अच्छा ओके सर तब भी नहीं होगा कुछ गलत नहीं होगा तभी भी रुको एक मिनट कहां गड़बड़ करी देखने दो डी 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 ओके लिसन एवरीवन टेल मी व्हेनेवर दे हैव गिवन मी वॉल्यूम इन ml एंड मोलारिटी व्हेनेवर दे हैव गिवन मी वॉल्यूम इन ml एंड मोलारिटी व्हाट शुड आई डू शैल आई कैलकुलेट मोल्स और मिलीमोल्स मिलीमोल्स सर मैं तो मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना भूल गया वो हो गया होगा ओके नाउ मोल्स और मिलीमोल्स के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ मिलीमोल्स आई विल गेट 0.75 × 25 दैट इज द नंबर ऑफ मिलीमोल्स जस्ट टेल मी 2 मोल्स रिएक्ट विद 1 मोल सो दैट मेनी मिलीमोल्स विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स हाफ ऑफ दिस हां जी आई विल बी गेटिंग 0.75 × 25 डिवाइड बाय 2 वेरी गुड सो व्हाट इज द मास ऑफ calcium carbonate so number of millimoles into molecular mass 100 grams or milligrams 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 what is the answer I'll get here I'll be getting here 940 correct 940 milligrams which is equal to 0.94 grams which will be equal to 0.94 grams. Understood? Yes, sir. Guys, you understood that? Yes, sir. Very good. Now, question number 9. Yeah. Okay. So I got answer from one student. Okay. It's B. Okay. AG का मास कितना Okay. 108 atomic mass of Ag is 108.
हो गया। गाइस डन? यस सर डन। वेरी गुड डीजे यू नो 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 फाइन ओके लाइक आई जस्ट राइट डाउन AgNO3 AgNO3 plus HCl gives AgCl plus HNO3. Now, what is the first thing you would have done over here? Balancing. I have AgCl 2.125 grams. Now what? Shall I say number of moles of HCl and AgCl exactly same? Yes, sir. So, number of moles of HCl should be equal to the molarity into volume in liter. Correct? What are the number of moles of AgCl you would have got? 2.125 divided by, what is the molecular mass of AgCl? 142 140. Correct? Correct? Yes, sir. Should be equal to 2.125 by 143. So this will be cancelled out of 40. So molarity comes out to be 2.125 into 40 divided by 143. Agreed. So what's the answer I got? It'll come out to be near to 0.6, correct? Yes, sir. 0.59. चलो आगे चले। हाँ बेटा डाउट है क्या सर? सो 143.5 ना? हाँ डज इट मैटर इतना? डन सर? यस यस सर डन। HCl और AgCl का वेट सेम कैसे हुआ? वेट नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल सेम करें। ओके सर। डन गाइस, समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। उनका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट सेम है ना? हाँ, तभी तो उनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। अच्छा हाँ 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 वेरी गुड, नो डाउट्स नो डाउट्स नो डाउट्स नो डाउट्स ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट? 10 गाइस स्टार्ट सॉल्विंग इट। डू इट नाइसली एंड गिव 100% दैट। This is a problem of 1.5 minute, not more than that. Jaldi. सर मुझे बी लग रहा है। क्या लग रहा है? बी बी ओके नहीं सर 150 आया। नहीं देखो क्या है, सर
सर एक बार बैलेंस करना है, बैलेंस करना भूल गया, करो 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 बैलेंस करो। अच्छा एक बात बोलूं, सुनो एवरीवन, आई हैव दिस मॉलिक्यूल H2O3 करेक्ट? यस। उसने कहा कि अगर 1 ग्राम X का रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो टोटल वेट कितना आया? 1.16। वेरी गुड। अच्छा एक बार बताओ तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 48। अरे यार अगर 1 ग्राम ये है, टोटल 1.16 ग्राम है तो करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर X2 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन 0.16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. कह सकता हूँ ना मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ X शुड बी इक्वल टू 0.16/1। Yes, sir. ये इसका मास रेशियो है, चाहे मैं 1 मोल में लू, चाहे 2 मोल में लू, चाहे 3 मोल में हो, ये मास रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। Yes, sir. तो अगर मैंने 1 मोल ले लिया इसका तो 1 मोल में कितना ग्राम X2 है, X है। अगर 1 मोल ले लिया तो 1 मोल के अंदर कितने मोल एक्स के हैं? 2 मोल। हाँ तो वेट कितना हो जाएगा एक्स? 2 मोल। 2 into 2. एटॉमिक वेट ऑफ एक्स कह सकता हूँ? यस सर। श्योर? और एक मिनट है ना, और ऑक्सीजन का कितना मास होगा? 48। तो जो ये वाला मास रेशियो होगा वो इस मास रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसको क्या लिख सकते हैं? 48 बाय 2 इनटू एक्स, करेक्ट? यस सर। तो एक्स क्या आया? 150 आएगा बाय 2 इनटू 0.16, करेक्ट? यस सर। कितना आया? 150 ओवर? हां सर 150। कितना टाइम लगा इसको? 1 मिनट। सर 1.5 से ज्यादा पहले बैलेंस करना भूल गया था। ओके अरे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, बिना बैलेंसिंग के हो गया ना। अच्छा ए किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। श्योर एवरीवन? नो डाउट। यस सर, नो डाउट। चलो आगे चलें। वन सेकेंड। मतलब प्रोडक्ट में भी रेशियो सेम ही होगा जो फॉर्म हो रहा है उसमें? क्या क्या? जो फॉर्म हो रहा है उसका भी रेशियो सेम ही होगा ऑक्सीजन और एक्स का? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बट जो फॉर्म हो रहा है उसको भी टोटल मास लोगे ना X2O3, राइट? अच्छा अब मेरी बात सुनो, कम है पर क्वेश्चन नॉट मोर देन 3 मिनट्स, राइट? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। या
सर ये वाली शीट थाने वाले बैच के ग्रुप में भी डाल देना। हाँ बेटा मैं डाल दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा। ओके सो सेकंड सेंटेंस में प्रेसिपिटेट क्या है? क्या अल्टरनेटिवली वाली सेंटेंस है उसमें प्रेसिपिटेट क्या है? बेटा एक बात बताओ, ऑल्टरनेटिव तो प्रेसिपिटेट इग्नाइटेड, ये वाला प्रेसिपिटेट है बेटा। ओके जो ये बना है ना वो प्रेसिपिटेट है, और एंड नाइट्रोसो बीटा नाप्थो लिए है। नाम पे मत जाओ, कंपाउंड पे जाओ, कंपाउंड को ढंग से देखो, एनालाइज करो, फिर काम करो। कोबाल्ट का मास कितना है? व्हाट सर? कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59। कोबाल्ट का 59। आया चलिए स्टार्ट। यस सर। ओके मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है। ओके चलो तुम या अभिजीत बेटेगी वेरी गुड। चलो अब मेरी बात सुनो, इस कंपाउंड को चेक करो, कोबाल्ट C6H10ONO whole thrice is converted into
for CO3O4 and then this is converted into CO. Agree? Hai ki nahi? Guys, am I audible? So your voice is cracking, sir. Now it is coming? Yes, sir. Okay, now one second. Yeah, theek hai. Now listen. Agar is compound ko humne isme convert kiya, is compound ko isme convert kiya, main conserve kya kar raha hu? Kya cheez common hai? Haan sir, try karo sir. I said, what thing is getting conserved here? Cobalt. Cobalt. Okay. Cobalt and oxygen. Is my voice clear now? Haan sir. Beta, awaaz sahi aa rahi hai abhi? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now listen. Yeah. Now listen, very simple thing. I have 0.2125 grams of this compound, correct? So, wapas crack ho raha hai. Yes, sir. Wapas crack ho raha hai. Okay. I said, I have 0.2125 gram of this compound. Hmm. Right? Yes, sir. Achha, ek baar batao. इसको एक मोल में वन मॉलिक्यूल जस्ट टेल मी इस पूरे मॉलिक्यूल में शैल आई से दैट आई हैव 59 × 3 इन वन मॉलिक्यूल आई सेड आई हैव 59 × 3 ग्राम ऑफ कोबाल्ट प्लस 16 × 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यस और नो यस सर राइट नाउ इन दैट मच ग्राम ऑफ cobalt CO3O4 I have 59 × 3 grams of cobalt correct yes sir jitna cobalt yahan pe tha utna hi cobalt yahan gaya agree yes sir sure ab suno dhyan se if what is the total of this molecule what is the total 241 shall I say that 171 I'll get no here 171 gram of cobalt is present in 241 gram of CO3O4 correct then 171 gram of cobalt is present in sir 177 gram of cobalt is present in 241 gram of CO3O4 yes sir then in 0.2125 gram how many gram of cobalt I'll get 241 by 177 into 0.177 by 241 no into yes sir 0.2125 hmm correct jitna bhi cobalt iske andar hai वो यहीं गया होगा यस सर तो यहाँ पे कोबाल्ट का मास कितना आया ये आया ये यस सर 177 × 0.2125 डिवाइड बाय 241 एग्रीड यस सर गाइस अंडरस्टूड दैट बेटा समझ में आया इतना यस सर ओके नाइस नाउ लिसन यही सेम कोबाल्ट यहां पे प्रेजेंट होगा यस सर वेरी गुड एक बार बताओ 59 ग्राम कोबाल्ट कितने ग्राम कंपाउंड के अंदर है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल It is 59 plus 6 carbon. That is 6 × 12 plus 10 × 1 plus
16, 32 plus 14 into 3 because overall 3 times, right? Correct. Yes, sir. हाँ तो वर्ड टोटल वेट, वर्ड टोटल वेट सर शायद 431 होगा. 431 नहीं होगा, चेक करो. 6 into 12 72 हुआ प्लस 10 प्लस 46 56 आ जाएगा ये. तो सर 250 नहीं सर. हाँ जी 384. हाउ मच एलिगेटिव? 128, right? 128 into 384. 128 into 3? Yes, sir. 120. Sir, total weight 443 आ रहा है. 243. 443. 443. The total weight comes out to be 443, correct? Yes. अच्छा एक बात बताओ. 59 gram cobalt, 443 grams में. Agreed? तो इतना ग्राम कोबाल्ट कितने ग्राम में होगा, निकाल सकते हो क्या सर? कैन यू रिपीट? दोबारा सुनो, पहले कोबाल्ट का मास बताओ जितना निकला यहाँ पे. हाउ मच अमाउंट ऑफ कोबाल्ट प्रेजेंट ओवर हियर? 177 इनटू 0.2125 इन डिवाइड बाय 241 कितना आएगा? Zero point one five six. Correct. तो एक बार बताओ, जब 59 ग्राम कोबाल्ट 443 ग्राम्स में है, तो 0.156 ग्राम कितने में होगा? 0.156 divided by 59 into 443. Correct. Yes, sir. So, what is the answer? I'll get over. Around 1.2. Yeah. कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर. यस सर. हाँ हाँ एक बार क्वेश्चन हमने लिख दिया, मतलब रिएक्शन के टर्म्स में, तो इजी हो जाता है, बस क्वेश्चन समझना. एग्जैक्टली. अच्छा इसके अलावा एक और मेथड है, बताऊं? यस सर. यस सर. ओके चल अब दिस करेक्ट. यस सर. या वन मोर मेथड इज टेल मी कोबाल्ट सीओ C6H10O NO whole thrice gives CO3O4 gives CO. Agreed? Now tell me what you are conserving. क्या conserve कर रहे हो? CO. Cobalt. तो यहाँ पे ये लग सकता है? POAC. हाँ. Tell me, what is the atomicity of this cobalt here? 3. What is the atomicity here? 1. What is the atomicity here? 1. Let's say that 1 into number of moles should be equal to 3 into number of moles should be equal to 1 into number of moles. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Now, very good. Now, calculate the number of moles of CO3O4. Mass kitna hai? 0.2125. Divide by what? 59.
ए बोमो पूरा मास 59 इनटू 3 पूरा मास अच्छा फुल मास हां नंबर ऑफ मोल्स के चाहिए ना 0.2125 है ना डिवाइड बाय होल मास क्या होगा 41 अभी निकाला था 241 पक्का 241 यस यस सर 241 ना डन तो नंबर ऑफ मोल्स आगे दोनों के दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस बिग कंपाउंड अंडरस्टूड हां तो नंबर ऑफ मोल्स आगे तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा टोल्ड यू इट इज सिंपल राइट करो बिग कंपाउंड और सीओ सेम कैसे हो बेटा तो आवाज नहीं आ रही है बहुत धीरे लग रहा है क्या सर वो बिग कंपाउंड का और वो सीओ का सेम कैसे हुआ बेटा अच्छा एटॉमिसिटी कितना है उसका बिग कंपाउंड के अंदर का आप उसका कोबाल्ट का व्हाट इज द एटॉमिसिटी 1 हां तो 1 है तो क्या तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही आएंगे ना जब एटॉमिसिटी सेम है तो अच्छा समझा सर हां सर समझ गया सर समझ गया ना सर एंड में क्या बताऊं ना क्या बताऊं एंड में क्या किया एंड में जो नंबर ऑफ मोल्स निकले उनको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ जाएगा यस सर जब इसको मैं इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वेट आ जाएगा जब मैं इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वेट आ जाएगा सिंपल डन यस सर चलो नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 2 Question number 2 is very simple. It's just that you have to give your thought process nicely. Very simple. एनालाइज करना कि रिएक्शन में हो क्या रहा है वो पूछ क्या रहा है और उसी तरीके से आंसर निकालेंगे हम लोग Okay, guys, shall we move ahead? Shall we start? Yes, sir. Okay. 7.11, I think so. Okay, we'll do that.
अच्छा एक बात बताओ, चाहता क्या ये, व्हाट इज सेइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज सेइंग, Fe3 plus आयन है, 0.5 ग्राम, रुक 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 धीरे धीरे बात करते हैं, Fe3 plus आयन है, 0.5 ग्राम है, आगे उसको जला दिया क्या, हाइड्रेट किया है, इसको जला दिया है, यस सर, फिर उसको प्रेसिपिटेट किया, क्या कह रहा है, तो उसको इग्नाइट करने पर 90% कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में, और मतलब इसका 90%, इसका 90% क्या बना रहा है, Fe2O3, अच्छा Fe2O3, वेरी गुड, और इसका बचा हुआ 10% क्या बना रहा है, Fe2O3, अरे वाह, अगर आयन 0.5 ग्राम है तो यहाँ पे कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा, अगर 90% है तो 0.5 into 90 by 100 0.4, अच्छा तो 0.5 into 90% that is 0.45 grams, yes sir, यहाँ पे और यहाँ पे 0.05 ग्राम, कोई दिक्कत, no sir, no, sir. अच्छा रुक जाओ, किसी ने डाउट पूछा लगता है, अरे नहीं सुनो सुनो, एक बार बताओ, ये इसने पहले प्रेसिपिटेट बनाया, प्रेसिपिटेट मतलब FeOH होल थ्राइस, ठीक है, और इसका 90% यहाँ गया और 10% यहाँ गया, ऐसे हुआ ना कुछ, यस सर, अरे एक बार बताओ, इसका 90% जाए 10% जाए या इसका 90% जाए 10% जाए, कुछ फर्क पड़ता है क्या, यही तो प्रेसिपिटेट बना रहा है, यस सर, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नो सर, हाँ आई गेस समझदार हो गए तुम लोग, करेक्ट है ना, तुमका मास कितना है बता दो, 56, इसलिए आंसर नहीं आया, अरे सुनो ना एक बताओ, मुझे ये बताना है कि इसका वजन कितना और इसका वजन कितना, करेक्ट, हाउ मच वेट ऑफ दैट, यार एक बात बताओ, आयन Fe2O3 के अंदर आयन कितना है, कितना वेट आयन का, 112 ग्राम, करेक्ट, 112 ग्राम कितना ग्राम दे रहा है Fe2O3, 160 है ना, yes, तो 0.45 ग्राम कितना देगा, 112, am I right? इसके अंदर कितना आयन है, 56 into 3, हाँ तो कितना हो जाएगा, 168 कितना ग्राम दे रहा है, 168 plus 64 कितना हुआ, 332 कितना, 232 एक 168 प्लस 64 कितना होता भाई, करेक्ट, यस, हाँ तो एक बार बताओ, 168 ग्राम 232 दे रहा है तो कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है एक्चुअली, इधर कितना देगा, 232 by 168 into 0.05, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, कोई दिक्कत, नो सर, What should it have weighed if all the iron converted to form this? अगर सारा का सारा आयन ये बनाता और ये तो बनता ही नहीं ना फिर, तो 0.45 की जगह यहाँ पे क्या यूज करता, 0.5, I guess, अक्कल आ गई तुम में, राइट, है कि नहीं, ओए कॉमन सेंस यूज करने लगे, राइट, यस सर, मजाक कर रहा हूँ मैं, चलो स्टॉप करो ढंग से, गाइस क्वेश्चन नंबर 3,
Sir, of this now? 2K in 1K derivative matlab unno pucha na dan ये हो गया ना, हटा दो ना इसको गाइस. यस सर. ओके ओके डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेट 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 सर, सेकंड में मॉडिफाइड प्रेसिपिटेट मतलब दोनों पूछ है क्या? दोनों फॉर्म हुआ है वो. Okay, question number 3. ओके लिसन गाइस, बेटा सुन लो इसको, सॉल्व करने दो पहले. एक थॉट प्रोसेस है, कभी नमक को गर्म किया है क्या? यस सर. तो क्या नमक भाप बन के उड़ता है क्या? नो सर. तो इसमें अगर दो क्लोराइड है, एक NaCl है और एक MCl है, जरा इसको पढ़ो. ये रहा. 1 gram of original mixture is heated to 300 degrees Celsius. Some vapors comes out. Wo vapors kiske honge? NaCl ki ki MCl ke? MCl. Isse zyada hint nahi dunga main, theek hai? Guys, understood what I'm trying to say? Yes, sir. Ammonium chloride. Maine kya kaha? Ki kuch vapors bahar aaye MCl ke, theek hai? तो अगर MCl के कुछ वेपर्स बाहर आ रहे हैं तो वो MCl इसके साथ रिएक्ट करे ना AgNO3 के साथ, करे yes. तो मतलब yes. जब मैंने हीट किया तो NaCl तो नीचे ही रहा, इसके वेपर्स गए, इसके वेपर्स रिएक्ट कर रहे हैं और मेरे पास इतना ग्राम PPD आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अब मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, isn't it? Yes, sir. तो कितना टाइम लगाओगे?
guys, solved it. Sir, first में बोला 2.567 white precipitate और second में बोला 1.341 ऐसा कैसे? आप पहले वाले के अंदर दोनों बना रहे हैं, दूसरे वाले के अंदर सिर्फ ये बना रहा होगा because NaCl उड़ता नहीं है. Yes. शुरू करें. Yes sir. Yes sir. सुनो, मेरे पास ना 1 ग्राम सैंपल है, ठीक है. जब मैंने इस 1 ग्राम सैंपल है उसके अंदर लेट्स से x ग्राम्स NaCl है और y ग्राम्स MCl है, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? नो सर. नहीं ना. अच्छा ये बताओ, जब x ग्राम के अंदर x ग्राम NaCl के अंदर, यार एक काम करते हैं, y फालतू में ले लिया, पूछो क्यों? दो वेरिएबल हो जाएंगे. अगर x ग्राम NaCl है तो 1 माइनस x ले लें यहाँ पे. यस सर. अच्छा एक बार बताओ, इसने कहा कि मैंने ना इसको पूरा डिसॉल्व किया और इस पूरे 1 ग्राम को ना प्रेसिपिटेट किया AgCl बनाने के लिए, ठीक है. तो उसका जो AgCl आया ना दैट इज 2.567 ग्राम्स. कोई दिक्कत? Yes. दिक्कत? No, मतलब कोई दिक्कत नहीं. Are you understood? Did you get that point? किसने ऐसा कहा? हाँ. अब एक बताओ, जितने मोल्स क्लोराइड. आपका वॉइस स्टॉप हुआ था सर. अच्छा अभी आवाज आ रही है. हाँ सर, अभी AgCl क्या बोले सर? मैंने कहा जब NaCl और MCl आपस में रिएक्ट करे AgNO3 के साथ तो AgCl आ रहा है. 2.567 ग्राम्स, करेक्ट? यस सर. ध्यान से सुनो, ध्यान से, खत्म नहीं हुआ. आज सवा 8 तक है ना? 8:15. यस सर. यस सर. लिसन लिसन, नहीं खत्म हुआ अभी. सुनो, जितने मोल्स क्लोराइड के इधर होंगे, जितने मोल्स क्लोराइड के इधर होंगे उतने ही मोल AgCl के बनेंगे. कॉमन सेंस. जितने मोल्स क्लोराइड के इधर होंगे उतने ही मोल्स AgCl के इधर बनेंगे. जितने मोल्स क्लोराइड के इधर होंगे उतने ही मोल्स AgCl के इधर बनेंगे. हाँ या ना? यस सर. यस सर. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं x ग्राम्स में? 58.5. अरे कितने है भाई? मॉलिक्यूलर मास ले लो, y ले लो इसका मॉलिक्यूलर मास. क्या लोगे? y. तो y एटॉमिक मास 35.5 + 35.5. करेक्ट? यस सर. और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी मत करो. पता है क्या, एक काम करो, y ले लो. y is the molecular mass of MCl. कोई दिक्कत? No sir. तो मुझे बताओ अगर number of moles of NaCl इतने हैं तो number of moles of Cl minus कितने होंगे? इतने ही होंगे. इतने ही होंगे. जितने number of moles of MCl हैं उतने ही number of moles of Cl minus होंगे. Yes, sir. जितने ही number of moles of Cl minus होंगे उतने ही number of moles of AgCl बनेंगे. Yes, sir. Number of moles of AgCl बने कितने? 2.567 divided by. अरे हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट. क्या बोला? 2.567 divided by उसका weight. हाँ. 108 by 35.5 plus. डन. ये इक्वेशन आ गई. यस सर. उसके बाद में इसको चैन नहीं मिला. कहता है इसी ग्राम को ना मैंने हीट किया तो मेरे पास तो सिर्फ MCl के वेपर्स आए, NaCl तो उड़ता नहीं है. क्या उड़ेगा? MCl. कितने मोल्स हैं MCl के? 1 - x / y. ठीक है ठीक है.
तो एक बार बताओ, तो जब मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो AgCl आया होगा? यस सर। यस सर। तो AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे? उतने नहीं आए होंगे, गेटेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 143.5 से, तो कितना वेट आया इसका? 1.341 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 1 minus x by y is equal to 1.341 by 143.5। यस सर। कह दो हाँ। यस सर। इसको इधर पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। डन। एक बार x की वैल्यू आ गई तो y की दिया जाएगी। हाँ सर, समझ आया। एक बार वापस समझाओगे? हाँ बेटा, मैंने कहा 1 ग्राम सैंपल है, ठीक है? 1 ग्राम सैंपल के अंदर NaCl भी और MCl भी है, तो मैंने कहा चलो 1 ग्राम में से ना x ग्राम NaCl है, तो 1 minus x ग्राम MCl है, करेक्ट? यस। मैंने कहा जितने नंबर ऑफ मोल Cl के NaCl के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल AgCl बनाएगा NaCl। अरे Cl बना रहा ना? यस सर। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl के आएंगे। यस सर। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MCl होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl आएंगे, करेक्ट? यस सर। हां, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, x by 58.5, 1 minus x by y, लेट्स से इसका मॉलिक्यूलर मास ले लिया मैंने y, कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? वेट आया 2.567, तो 2.567 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। हां, तो उससे मैंने इक्वेट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको हीट कर रहा हूं 1 ग्राम सैंपल को, तो NaCl तो वेपराइज करता नहीं है, ये वेपराइज कर गया। अरे, am I audible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. JJ008, can you re-log in again? अरे, उसको सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ से सुनेगा? सर, उसने अपने आप को म्यूट कर लिया होगा शायद। हाँ। I don't know. सर, डिस्कनेक्ट हो गया। कौन? वो। Okay. Now listen, everyone. Now, अब जब मैंने इसको हीट किया तो वेपर्स में MCl आया होगा, करेक्ट? सिर्फ MCl, because NaCl तो आएगा है कि नहीं? Yes, sir. तो 1 ग्राम में कितने मोल्स थे MCl के? 1 minus x by y? Yes, sir. तो इनटू इतने मोल्स अगर MCl के हैं तो इतने ही मोल्स AgCl के बनेंगे, है ना? Yes, sir. तो 1 minus x by y moles of AgCl into उस molecular mass should be the weight. Weight कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, करेक्ट? तो इसको बैलेंस किया, इक्वेट किया, तो ये आ गया। इसको इधर डाल देना, सब आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Shall we move ahead? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Chalo, question number 4. Question number
गाइस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सर ये पी इक्वल टू एनआरटी से होगा ना? या सर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वोलेटाइल कंपाउंड का निकालना है. एटीएम के अंदर ना 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, जिसको 1 एटीएम में 760 टॉर कहते हैं. गेटिंग इट? तो मेरे ख्याल से प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकाल सकते हो. मुझे प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूज करना है ना सर. पास्कल्स में लेते हैं ना प्रेशर. क्या बेटा देते हो? तो पास्कल में लेते हैं ना. अरे आर की वैल्यू 0.0821 लेगा ना, तो एटीएम में लेगा प्रेशर. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब यूज करोगे तो R की वैल्यू 0.0821 हो जाएगा. जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखोगे, वॉल्यूम को लीटर में लोगे. हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है. ओके Guys, done. You got C2H4Cl2. Okay, listen. बताऊं करना है कैसे इसको. पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है. कैसे निकाले एम्पेरिकल फॉर्मूला? मास बाय मास. एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.195. वाटर कितना है? 0.0804. 120. करेक्ट. अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन कितना होगा? अगर इतना वाटर है तो हाइड्रोजन कितना होगा? इतना तो बता सकते हो? मॉलिक्यूल को देखो और मुझे बताओ कितना आएगा, कार्बन कितना आएगा इतने सर, कार्बन. हाँ सर, वाटर 0.0804 नहीं है. ठीक है, एक काम करते हैं, 0.0804. अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि कितना कार्बन आएगा. अगर इतना ग्राम 12/44
इनटू 0.195 कर सकते हैं? हाँ है ना, यस सर। और वो हाइड्रोजन कितना होगा मुझे बताओ, इसको हाँ, देख के बताओ कितना हाइड्रोजन होगा। 2 by 18 into 0.0804 Done. Yes sir. तो कार्बन और हाइड्रोजन का वेट मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालो कार्बन और हाइड्रोजन के, और बचा हुआ वेट किसका होगा, क्लोरीन का। Yes sir. तो था कितना टोटल, 0.22 ग्राम, करेक्ट। Yes sir. तो कितना yes, ग्राम आया ये वेट, वेट कितना आया? या 0.009 done. और क्लोरीन कितना आया? 0. कुछ कुछ नहीं, 0.1 शायद। या 0.16 ले लो, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 0.05 by 12, 0.009 by 1 एंड 0.16 by 35.5 बताओ कितना आएगा। शायद 0.004 हाँ सर लग रहा है। और ये सर इसका ही बोल रहा हूँ 0.004 ऊपर वाले का, सबसे ऊपर 0.004 ठीक है। यस 0.004 1 हाँ ठीक है। 0.009 इसका क्या होगा, 0.6 by 35 सर वही आ रहा है 0.0045 आ रहा है। तो क्या रेशियो आ रहा है, 1:2:1 अप्रोक्सीमेटली। नहीं मेरे ख्याल से तो यही लिखोगे C4H9C4, ये 5 नहीं है ना, 0.41 है। इसको करना जरा कितना आता है पीछे, 4-5 आता है, 4-5 आता है। हाँ सर, तो ये एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। ओ गेटिंग इट, यस सर। तो इट विल बी लाइक ये क्या आना चाहिए, C4H9Cl4.5 करेक्ट, क्या जाएगा C8H18Cl9 ये आना चाहिए, C8H18Cl9 Understood? Yes sir. Yes sir. चलो
वाइंड अप करते हैं ना, जस्ट सॉल्व रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एट होम, ठीक है सर? कितने रह गए? छह. ओके सर, ठीक है, चलो बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय. थैंक यू सर. हां, ठीक है. What?